चीन भारत को आंखें दिखा रहा है। वह बार बार भारत पर हमले की धमकी देता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि चीन भारत को छू भी नहीं सकता। ये केवल कहने की बात नहीं है। ऐसी पांच बड़ी वजहें हैं जिसे जानकर आप भी चीन के युद्ध न छेड़ने की मजबूरी समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी, और आज का यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। कारोबार, जी हाँ, भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पिछले कई सालों में भारत में चीन के सामान का आयात बढ़ा है। दोनों देशों के बीच सालाना करीबन 71 अरब डॉलर का कारोबार होता है। चीन की कई बड़ी कंपनियों ने, जैसे अलीबाबा, ओप्पो ने भारत में अपने हेडक्वार्टर तक बना रखे हैं। इलेक्ट्रिकल सामान और चीनी खिलौनों की बड़ी खेप सालाना भारत आती है। ऐसे में तय है कि चीन अगर भारत से रिश्ते बिगाड़ता है तो उसके व्यापार पर असर पड़ेगा। परमाणु क्षमता, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत किसी भी तरह से चीन से परमाणु शक्ति में कमजोर नहीं है। अगर हमले की सूरत बिगड़ती है तो चीन भी बर्बाद होने से बच नहीं पाएगा। इस तरह चीन का भारत पर हमला करने की चीन के लिए ही खतरनाक हो सकता है, लिहाजा साथी चीन हर हाल में जंग नहीं चाहेगा। विश्व स्तर पर भारत सबका पसंदीदा, भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। मोदी सरकार आने के बाद विश्व पटल पर भारत की छवि तेजी से बदली है। हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और कारोबार भी करना चाहता है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक, चाहे रूस हो या कोई, किसी के साथ भी भारत के रिश्ते खराब नहीं हैं। ऐसे में अगर चीन भारत पर हमला करता है तो विश्व स्तर पर उसे अलग थलग पड़ने का भी भारी खतरा है, लिहाजा यह हालत भी चीन को भारत पर हमला करने से रोक रहे हैं। ताकतवर हुआ है भारत, 1962 के मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर हुआ है भारत। चीन अब समझ चुका है कि सैन्य स्तर पर अब 1962 वाले हालात नहीं रहे। हाँ, जल सेना और वायु सेना में चीन भारत से बहुत आगे है, लेकिन थल सेना में अब भारतीय ताकत भी कुछ कम नहीं है। यही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे चीन भी काफ़ी घबराता है। अमेरिका का साथ, भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते भी चीन को रोक लेता है। यह बात तय है कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका भी भारत को खुले रूप से सहयोग करेगा और चीन के खिलाफ मदद करेगा। ऐसे में चीन के लिए एक साथ भारत और अमेरिका से निपटना मुश्किल है, इसलिए चीन यह कोशिश कर रहा है कि बात केवल बातचीत से ही बन जाए तो ठीक है और हमला करने की नौबत न आए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे आने वाले और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,